फिर भी जो ऐतिहासिक समर्थन और सफलता मिली है उसके लिए सबसे पहले मैं इस प्रबुद्ध वर्ग को प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन इसलिए करता हूं कि उन्होंने दिन रात परिश्रम करने का काम किया। और जो हमारे विजयी प्रत्याशी हैं, स्नातक क्षेत्र में तो हम लगातार जीत के साथ वापसी कर ही रहे हैं, जो शिक्षक क्षेत्र की एक सीट हमारी जो जिसका परिणाम आ चुका है, मैं उसी पर बोल रहा हूँ, श्री बाबूलाल तिवारी जी भी अब विधान परिषद सदस्य के रूप में उच्च सदन के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अधिकृत ऐलान हो चुका है। और समाजवादी पार्टी का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है, उनके अहंकार की हार हो गई है, उनकी गुंडागर्दी की हार हो गई है, उनकी जातिवाद की हार हो गई है, उनकी विकास विरोधी जो राजनीति है उसकी हार हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विशेष तौर से बुद्धिजीवी तबका, जो कह लीजिए कि समाज का मार्गदर्शक है, समाज को जो दिशा देने का काम करता है, समाज का मार्गदर्शन करने का काम करता है, समाज का कोष के माध्यम से वह संदेश देने का काम करता है, ऐसा वर्ग उसने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। और ये 2023 का विधान परिषद का चुनाव नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज है। और जिस प्रकार से सपा का सूपड़ा विधान परिषद के चुनाव में साफ हुआ है, वैसे ही लोकसभा के चुनाव में साफ हो जाएगा।